डियर स्टूडेंट, अब आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपकी एनटीए ने नीट की करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, आप लोग बहुत परेशान थे कि करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगी, क्योंकि काफी बच्चों ने हमारे पास कॉल आई थी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी थी नीट के फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, आप अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, करेक्शन विंडो स्टार्ट हो गई है। 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक करेक्शन विंडो 11:50 तक करेक्शन विंडो ओपन है। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे 18 मार्च को, तो वहां पर करेक्शन विंडो का आपको की ओपन मिलेगा और वहां करेक्शन विंडो पर जाकर आप अपनी बहुत सारे करेक्शन कर सकते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीए ने बहुत सारी चीजें करेक्शन करने की परमिशन दी है। बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे, अगर आपने अपनी कैटेगरी से लेकर भी कोई चीज गलत डाल दी है तो आप उसको जाके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कैटेगरी में अगर आपने अपनी ओबीसी या एससी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है और आप कोई कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, तो जो भी डिफरेंसेस रहेगा, चाहे वो जनरल है या आपकी कोई कैटेगरी है, जो भी डिफरेंसेस रहेगा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपका 1700 गया था, अब आप किसी कैटेगरी में ऑप्ट कर रहे हैं, आपका जो पैसा है आपको वापस मिलना चाहिए, तो आपका रेस्ट अमाउंट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप कैटेगरी चेंज करेंगे, आपकी फीस अगर बढ़ती है तो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपका एनटीए पे कुछ पैसा निकलता है तो आपको रिफंड नहीं होगा। नंबर दो, आप इसमें अपनी और भी बहुत सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर, अपने थंब इम्प्रेशन, अपनी एकेडमिक डिटेल, बस चेंज नहीं कर सकते। आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जो हम बार बार बता रहे थे आप लोगों को, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं चेंज होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है डियर स्टूडेंट, अगर आपने फॉर्म ठीक फिलअप किया है, उसके बाद भी आप लास्ट डे जाकर आप एक बार यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप अपना करेक्शन विंडो चेक जरूर करना। आपने करेक्शन नहीं करनी, लेकिन अपने फॉर्म जरूर चेक करना है। स्टूडेंट ने बहुत सिली सी मिस्टेक की थी या किसी ने बड़ी मिस्टेक की थी और काफी एडिट्स करने थे और बहुत वेट कर रहे थे, वो आप आराम से कंफर्ट जोन में अपनी चीजें करेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है। काफी टाइम से आपको लग रहा था कि एनटीए शायद इस बार करेक्शन विंडो ओपन नहीं करेगा, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि करेक्शन विंडो ओपन ना हो। तो ठीक है, आप 18 डेट को अपना करेक्शन विंडो ओपन कर सकते हैं और अपने जो भी आपने गलत चीजें सबमिट की हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शबनम, MD ऑफ शिक्षा मैन, आपकी अपनी मेडिकल एडवाइजर।